क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एस टी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका सौरभ डॉग चैनल में। तो आज की नई सुबह एक नई जोश के साथ, एक नए मैसेज के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, और प्रतिदिन हर सुबह मेरी ऐसी होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जब सुबह उठता हूँ तो उठने से लेकर रात तक मुझे किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है और मुझे क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी मैं अपने टेरिस पे हूँ और सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो छत पे आना होता है, और छत पर आने के बाद जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी डालना होता है। तो आइए चलिए हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बेसिकली व्लॉग है ताकि हम दिखाएं कि हमारे घर पे क्या क्या है। खूब सारे पेड़ पौधों के साथ हमने छोटी छोटी गौरैयों के लिए बहुत सारे घोंसले बनाए हुए हैं पेडिग्री के डब्बों से, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। कौन कौन से पौधे हमने लगाए हैं हम वो दिखाने वाले हैं। इन पौधों की शेडिंग के लिए आप देख रहे हैं ये ग्रीन शेड हमने कर रखा है, और हमने कौन कौन सी बर्ड्स रखी है घर पे। हमारे पास कॉकटेल है, लव बर्ड है, बजरीज है, और सिंगिंग हैमिंग बर्ड है, लाल मुनिया है, पैरट है, ये सारे हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। और हमारे घर पे रैबिट है, हमारे घर पे गिनी पिग्स है, लीजा और बगीरा को आप जानते ही हैं, डॉग्स तो हैं ये, वाइट रैट है, सफेद चूहे, कबूतर है। सो फाइनली गाइस, ये हमारा रूफ है और अभी हम आ गए हैं छत में, तो स्टाफ काम कर रहा है। अभी देखिए, सुबह सबसे मेरी सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है, पेड़ों को पानी डालना। हमने बहुत सारे पौधे लगाए रखे हैं यहाँ पे, ये देखो आप, उधर मिर्चे का पौधा है, फिर तुलसी है, एक और तुलसी है, तीन तरीके के मिर्चे, एलोवेराज है, बहुत सारे पौधों के नाम मुझे पता भी नहीं है। ये देखिए, मीठी नीम का पौधा है। पूरे लॉकडाउन पर लास्ट ईयर हमने यही किया, हमने खूब सारे पेड़ पौधे लगाए अपने यहाँ पर। और अभी संतोष भाई पानी डाल रहे हैं, प्रतिदिन दो टाइम तीन टाइम पानी डाला जाता है क्योंकि गर्मी है। ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से डालो, मिट्टी जैसे बेजान हो जाती है, पौधों को भी चोट लगती है ना, प्यार से डालो। बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे बैठना एक सुखद अनुभूति देती है। अभी मेरा चाय आएगा, इसको बीच में रख के हम लोग सब यहाँ पे बैठते हैं आराम से, टी टाइम हमारा यहीं पे होता है पेड़ पौधों के और शेड के बीच में। आइए हम दिखाते हैं अपने बर्ड्स, हमारे पास कौन कौन सी बर्ड्स है। ये देखिए लव बर्ड है, ये देखिए फिशर लव बर्ड बोलते हैं इसको। हाँ, बोलो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पिंजरे में रख रहे हैं इनको, ये गलत है, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि पक्षियों को हक है आसमान की ऊंचाइयों को उड़ने का, और पक्षियों को हमेशा खुला रखना चाहिए, इनको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं या जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं, बट फिर भी मैं आप लोग को एक जानकारी बता दूं, ये जो बर्ड्स हमने पाले हुए हैं, ये सारे बर्ड, चाहे आप ये लव बर्ड देख रहे हो, ये लव बर्ड है, दीज आर कॉकटेल बर्ड्स, ये आप देखिए, ये कॉकटेल है, राइट, ये देखो आप, तो ये पैदा ही होते हैं पिंजरों में और इनकी पूरी जिंदगी पिंजरों में रहती है। अगर आपने इनको आजाद कर दिया तो आधे से एक घंटे के अंदर अंदर ये किसी कौवे, चील, बाज या किसी बड़े परिंदे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनको शिकारियों से बचने नहीं आता, इनको ये भी नहीं पता होता कि कब भागना है, कब उड़ना है, कब दौड़ना है। तो ये बर्ड्स बने ही हैं केजिंग के लिए, और केज में ये ज्यादा खुश रहते हैं बजाय इसके कि आप इनको आजाद रखें। आजाद करने पर ये मर जाएंगे क्योंकि इनको शिकारियों से बचने नहीं आता, तो इनकी लाइफ केज के ही अंदर है। हाँ, बहुत छोटे केज में नहीं रखना चाहिए, हमने देखे बड़े बड़े केज रखे जिसमें ये दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ये देखिए, अभी मैं पिंजरे के अंदर हाथ डाल के आपको, ये देखिए ब्लैक कॉकर टेल है, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास लव बर्ड्स को हमने दिखा दिया आपको, और ये है बजरीज। देखिए छोटी छोटी तोते की तरह होते हैं और बहुत प्यारे दिखते हैं। क्या भाई कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? अब बारी आई सिंगिंग एंड हैमिंग बर्ड और ललमुनिया की, ये दोनों को हमने एक साथ में रखा हुआ है। ये आप देखिए, तो जिन लोगों को ऐसी बात है कि पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो पिंजरे में ही खुश रहते हैं और पिंजरे में ही रहते हैं। तो हमने अपने घर पे काफी ग्रीनरी कर रखी है अभी, क्योंकि हमारे दो छत हैं। ये पहला छत है जिसको आप देख रहे हैं, और ये दूसरा छत है, ऊपर का छत। अभी इस पे भी हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ भी काफी कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ कुछ पेड़ मुरझा गए, सूख गए, इनमें हम नए पौधे लगाएंगे। दो चार गमले आप देख रहे हैं खाली भी पड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4, और एक गमला है उसमें एलोवेरा और तुलसी दोनों एक साथ निकले हुए हैं। और हम आपको सबसे स्पेशल पर्सन से तो मिलाना ही भूल गए। सो ये देखिए मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल पर्सन, ये दर्शिता है, माय डॉटर, मेरी बिटिया, जो कि अभी 2.5 से 3 महीने की है, नहीं बस जनवरी 3 महीने की है, एग्जैक्टली 3 महीने की हुई है। और मैडम अभी अपना आराम फरमा रही हैं अपने पालने में, और कल इसकी वैक्सीनेशन हुई है तो इसको फीवर भी है, तो अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, वरना हम आपको जरूर अगले ब्लॉग में आपको मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा टेरेस है, अब ये पूरा धूल वूल के साफ सफाई हो के कुछ क्लीन हो के बहुत अच्छा सा दिखने वाला है। और आइए अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे और बाकी जानवरों से और अपने घर से रूबरू कराते हैं। इस मंथ की पहली बारिश है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मौसम है, और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा देर शेड में बैठ जाना चाहिए, बट इसके नीचे भी मैं भींग रहा हूँ, बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो मानसून तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग एंजॉय कीजिए और भीगेगा नहीं, क्योंकि ये मौसम भीगने वालों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और फिर भी हैप्पी मानसून, मजा आ गया। अमन ये देखो आपका पप्पी, साक्षी, अमन, लक्ष्मिका, तो जितने नाम याद थे बोल दिया। ये है, अभी इसको उठा के दिखा रहा हूँ, ये हमारी लीजा है। बगीरा इधर आओ, बग्गू इधर आओ, बग्गू आजा आजा भैया, बग्गू भैया इधर आइए, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। ये बगीरा है और वो छोटा बगीरा है। अपने न्यू फैमिली को हेलो बोल दो, बोलो हेलो गाइस। प्रॉपर हेवी बच्चा है, इसके कान बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देखिए शाम को क्या होता है कि लीजा बगीरा सब खाना खाते हैं। ये देखिए एक छोटा दोस्त और आया है हमारे पास आज, ये बगीरा है, ये लीजा है, और यहाँ हमने देखिए ढेर सारे छोटे छोटे चूहे पाले हैं, जो 2 से 4, 10, 20, 50 हो अब हो गए। अभी और भी हमारे पास केज में, अभी इनको खाना दिया गया, और ये लोग अंडे भी खाते हैं, आप देखिए अंडे खा रहे हैं ये लोग, रोटी वोटी सारे खा लेते हैं। और हमने सबसे मेन चीज देखिए क्या करी हुई है, ये आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो, गौरैयों के लिए, यानी कि वो पक्षी जो विलुप्त हो रहे हैं और जो पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, हमने विस्कास के ग्रेवी के बॉक्सेस को छोटे छोटे कटिंग करके
हर एक गौरैया के लिए घर बनाया है। इसमें अभी दो चार पांच दिनों में आके रहने भी लग जाएंगी गौरैया, और इसमें रोज दाना और पानी डाला जाता है। ये देखिए, आराम से इसके अंदर रह लेंगे वो लोग। और अगर आप वहां पे ऊपर देख पा रहे हो तो ये आउटडोर है मेरे घर का। अगर आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे हो, ये जो हिस्सा है यहाँ पे देखिए, उन्होंने अपना घर बना के रखा है और इसमें गौरैया ने बच्चे भी दिए हुए हैं। और ये वो मोटिवेशनल कोट्स हैं जो रेगुलर मुझे मोटिवेट करती हैं, जो मेरे अपने थॉट्स हैं। नेवर 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 गिव अप, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इफ यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम सो इट्स नाउ। द पेन यू फील टूडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो दर्द आज आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी कल की शक्ति, सामर्थ्य और ताकत बन सकती है। देयर इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग इन वन मिनट। ये अभी आपकी जिंदगी है और किसी भी दिन एक क्षण में ये समाप्त हो जाएगी। तो अपनी जिंदगी राजा की तरह जीना चाहिए। डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप व्हेन यू आर डन। कभी मत रुकिए जब आपको तकलीफ या चोट लगती है, तब रुकिएगा जब आपने काम पूरा कर लिया। और आइए दो चार कोट्स और बाकी है, मैं पढ़ लूं। इसके साथ ही हमारे देखिए एक छोटा उस्ताद और है। एक और है, मैं कहां है? अच्छा देखिए, ये गिने पे गए, ये लोग यहाँ घूमते टहलते रहते हैं, ठीक है। दो चार और है, वो भी कहीं बिस्तर के नीचे घुसे हुए हैं, तो दिख नहीं रहे, यहाँ पे खेलता है। तो आइए फिर से हम कोट्स की ओर चलते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। विश इनसे मिलिए, ये श्योर है, ये भी यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं और कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं उठा के। अब ये कुछ खा रहे हैं, बेसिकली ये संतोष का बेटा है जो कि बहुत क्यूट है। संतोष हमारे एम्प्लॉय है जो यहाँ पे सारे डॉग्स और बर्ड्स की केयर करते हैं। ये देखिए, ये एक रैबिट है, बाकी दूसरी उधर है, ये मेल है और एक फीमेल भी है। ये देखिए, ये लोग यहाँ घूमते रहते हैं, हम इनको ओपन रखते हैं और ये लोग घूमते रहते हैं इधर यहाँ पे। और ये देखिए, ये हमारी फीमेल रैट है जिसने बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तीन बच्चों को जन्म दिया है। हम इनके बच्चों को हाथ में लेके आपको दिखाते हैं। आ जाओ छोटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितने क्यूट बच्चे, ये देखिए आप। वन मैं सबको निकालता हूँ, आ जाओ, आ जाओ। टू, ये छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे, अले 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 अले। ये देखो आप, बहुत क्यूट है ये भी। तो फाइनली इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, रात का डिनर कर लेने के बाद, अब मेरा जो एकदम रात का जो टाइम होता है, बेसिकली मैं एक ग्लास दूध लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, और टू बॉइल्ड एग्स विथ मिल्क, ये रात में लेके मैं सो जाता हूँ। और अभी रूम में चलेंगे और ये पूरे दिन का डेली का होता है। रात में एक बार मैं शायद और 3, 3:30 या 4 बजे उठता हूँ, नीचे लीजा वगैरह और वो जो छोटा वाला पपी आया है उसको देखूंगा कि हाँ वो ठीक ठाक है। मन कर रहता है तो वॉक पे निकाल देते हैं इन लोग को, ये लोग घूम लेते हैं। तो ये पूरे दिन का एक छोटा सा व्लॉग था जल्दी जल्दी में। सो आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको मजा भी आया होगा काफी ज्यादा। और प्लीज कॉमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और आप किस किस तरह की वीडियोज देखना चाहते हैं और आपको कैसे वीडियोस में एंजॉय आप करेंगे, आपको कैसे वीडियोस और ज्यादा देखने पे अच्छा लगता है, ये सारी चीजें आप हमें बताइएगा। तो अब हम अपना दूध और अंडा लेते हैं, ऊपर चलते हैं। मैं भी काफी थक गया हूँ, हाथ पैर धुलूंगा, हो सकता है बाथ लूँ, और ये वीडियो अपलोड भी करना है ताकि कल आप लोग देखें। तो बहुत सारा काम है, कई पार्ट में वीडियो है तो एडिट भी करना होगा। बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम नेक्स्ट।